ये है मेरा गरीब खाना, मेरी आंखों का नूर, मेरी बेटी नूर बहुत प्यारी है। मुझ पे गई है। वही आंखें, वही नाक, सब कहते हैं मैं भी बचपन में बहुत प्यारी थी। खैर, अब भी हूं। हस्बैंड की कोई तस्वीर नहीं है? हस्बैंड की तस्वीरों को कौन सजा के रखता है? ये तो औलाद ही होती है जिसपे माए वारी वारी जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो तुम वैसे बाबरा। मैं तो आपके बारे में ये भी नहीं कह सकती, क्यों? माइंड कर जाएंगे ना। बाबरा ने तो माइंड करना छोड़ दिया। बेडरूम कहाँ? बेडरूम की तलाशी लेनी तो वारंट लिखे है। तलाशी तो नहीं ले रही, मुझे लगा तुम्हारे और मेरे दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे हैं। सारा जी, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। बेडरूम में मेरी प्राइवेट चीजें पड़ी, मैं ये इजाजत नहीं दे सकती। मैडम, वो मेरी एक चीज आपके पास रह गई। क्या? कार्ड? ओ, क्या ये कार्ड इतना कीमती है? दरअसल मेरी सारी क्रीमों के अज्जा इसी के पास से आते हैं। अभी नंबर सेव नहीं किया ना, जब कर लूंगी तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा ये कार्ड। फिलहाल तो है इसकी वैल्यू, सोचा आप ऐसे ही लेके जा रही हैं, कहीं रास्ते में गिरा देंगी, वापिस ही मांग लेती हूँ। अच्छा किया। राफिस। हस्बैंड है आपके? नहीं। ओ अच्छा, बुरा ना मनाइएगा, सॉरी, वैसे ही पूछ लिया। खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे तुमने उससे पूछा अगर वो बतूल को जानती है? ये पार्लर में काम करती है, ऐसे तो सब पता होगा। हाँ, लेकिन इसे कुछ नहीं पता। हो सकता है बतूल किसी और नाम से यहाँ रह रही हो सकता है। फिलहाल फौरी तौर पे मुझे किसी और जगह पे जाना। कहाँ? चलते हैं। हकीम फारूक, यही है। हकीम की दुकान और एंटीक्स की दुकान इकट्ठे? अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम फारूक आप हैं? जी, हकीम मोहम्मद फारूक मैं हूँ। किस बीमारी के सिलसिले में तशरीफ लाई हूँ? मैडम को तो बहुत सारी बीमारियां हैं, वो भी एक साथ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास ले आता हूं ताकि मैं इनका इलाज करवा सकूं। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मैंने सुना है कि आपके पास हर जिल्द के मर्ज की दवा है। जिल्द के अलावा हमारे पास हर मर्ज की दवा है।
सवाए मौत के। मुझे तो लगता है कि मौत की दवा भी है आपके पास। आप इनकी नब्ज नहीं देखेंगे? मैंने तो सुना है कि हकीम नब्ज पकड़ के सारी बीमारियां बता देते। आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी भी है और रात को सोते में चलने की बीमारी भी। कोई बात नहीं, मैं आपको खमीरा गौजबान और खमीरा मरमरीद में दवा मिला के देता हूँ, इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। कब से कर रहे हैं आप ये हकीम का काम? बाप दादा के तजर्बे की बात करूं तो तकरीबन 150 साल तो हो गया। हमारी भी बड़ी इंटेक हिकमत है। क्या बात की आपने? सोडियम साइनाइड का नाम सुना आपने? वो क्या होता? इन डब्बों में क्या? इन बॉटल्स में। कभी सोडियम साइनाइड बेची आपने किसी को? हम ऐसा काम नहीं करते साहब। बतूल को जानते हो? नहीं। बाबरा को? कैसे जानते हो? ब्यूटी पार्लर्स को हर्बल क्रीमें सप्लाई करता हूँ। 30-40 ब्यूटी पार्लर्स, उन्हीं में से एक बाबरा का भी। तुम्हें पता है मेरी नब्ज पकड़ के उसने जो कुछ भी कहा है वो सच था। क्या मतलब? I mean, depression, anxiety, insomnia, सब कुछ। No, I'm serious. I was shocked. Sure, right. सर ये जो कोई भी है सीरियल किलर है। अभी तक 3 कत्ल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तीनों को सोडियम साइनाइड दे के मारा गया और तीनों लिंक्ड है। तीनों में बतूल का नाम आता है। हो सकता है इससे ज़्यादा कत्ल हों लेकिन अभी तक 3 ही हैं। ईमान ने नहीं मारे। एक औरत है बतूल जिसे हमें पकड़ना है। दिस इज ह्यूज। यस सर। ये तो बहुत बड़ा केस बनता है। यस सर, बहुत बड़ा। शायद पाकिस्तान का पहला ऐसा केस है जिसमें हम एक सीरियल किलर औरत को पकड़ेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बट विद यू गाइस सस्पेंडेड I don't know how to proceed about it, but ठीक है। Let me put up a word with Aji sir to let you work unofficially, but ये strictly unofficially होगा। Thank you sir. लेकिन सारा। Yes sir. मुझे ये बताएं इस बतूल को हम कब तक पकड़ लेंगे? Sir, we have a suspect. जैसे ही कुछ evidence मिलते हैं तो इंशाल्लाह। ठीक है। Great. Thank you sir. Serial killer. बुध और जुमेरात रात 9 बजे। जिंदगी की उलझन को सुलझाते हुए कोई उलझ जाए तो वो पागल नहीं। हाँ, मगर उसे पागल कहना पागलपन है। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।